हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ज्वेलरी हॉल। आज के इस हॉल में मैं कवर करूँगी मेरे पास मौजूद एथनिक ज्वेलरी को। ये ज्वेलरी मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन ली है। इनमें से कई ज्वेलरी हैं जो मैंने अमेज़ॉन से ली हैं, कुछ हैं जो मैंने क्लब फैक्ट्री से मंगवाई हैं, लेकिन ज़्यादातर ज्वेलरी मैंने पर्सनली जाके चांदनी चौक से ली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली है ये कुंदन ज्वेलरी। इस ज्वेलरी को मैं ये कहूँगी कि ये काफ़ी हैवी वेट है। ये मैंने ली थी एक बहुत ही प्यारी एथनिक साड़ी के साथ मैच करने के लिए, और ये मैंने मंगाई थी अमेज़ॉन से। आप देख सकते हैं इसका रियर साइड ऐसा दिखता है। अगर आप कुंदन की बहुत ज़्यादा ओरिजिनल कुंदन में ज्वेलरी लेते हैं तो पीछे आपको भरा हुआ वर्क मिलता है, लेकिन इसमें ये नहीं है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये बहुत हैवी ड्यूटी ज्वेलरी है क्योंकि इसका वेट बहुत हल्का नहीं है। तो अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए पहनेंगे, बहुत लंबे घंटों के लिए पहनेंगे, तो आपके कान में दर्द हो सकता है। तो मैंने तो इसके लिए ये ट्रिक कर रखी है कि वेन्यू में पहुंचने तक मैं इयररिंग पहनती ही नहीं हूँ, और वहां जाके ही पहनती हूँ ये इयररिंग। ये बहुत हैवी है, इसका कलर बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। इसको लगभग 1.5 साल हो गए हैं मेरे पास, और ये मुझे पड़ी थी करीबन 650 रुपए की। मेरी जो दूसरी ज्वेलरी है वो है ये चांद बाली स्टाइल। ये उस टाइम बहुत फेमस था जब आई थी दीपिका की रामलीला मूवी, और ये पीछे से कुछ ऐसी दिखती है। अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि इसके जो मोती हैं वो तार की हेल्प से यहाँ नीचे अच्छे से टाइटली रखे गए हैं, तो उसका निकलने का डर नहीं रहता। ये ज्वेलरी मैंने चांदनी चौक से ली थी, और इसको लिए हुए भी मुझे काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, और इसका भी कलर ख़राब नहीं हुआ है। इसके जो कुंदन है वो मेरी पिछली वाली ज्वेलरी से काफ़ी हल्के हैं, लेकिन इसका रेट भी तो हल्का है। ये मुझे पड़ी थी सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये की। ऐसी ज्वेलरी आपके पास होनी चाहिए क्योंकि एक तो ये बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है और ईजी टू वेयर है, लंबे टाइम तक आप पहन सकते हैं, आपके कान को तकलीफ नहीं होगी। दूसरा, जो इसका कलर है, आप इसे मैच कर सकते हैं एक सिल्वर आउटफिट के साथ, एक ब्लू आउटफिट के साथ और एक मल्टी कलर आउटफिट के साथ। तो ऐसी चांद बालीज बहुत ही प्यारी लगती है इंडियन आउटफिट्स के साथ। जो मैं आपको अपना तीसरा पेयर दिखाने जा रही हूँ ये है एक झुमकी स्टाइल इयररिंग। इसके ऊपर चांद बाली है और नीचे ये झुमके स्टाइल गुंबद सा दे रखा है, और इस तरफ भी इन्होंने लटकन दे रखी है। ये बाली मैंने ली थी जयपुर के जोहरी बाज़ार से, वहाँ पे जो बाहर स्टॉल्स लगती है वहाँ से मैंने ये बाली ली थी। इसका जो लुक है वो है ओल्ड इंडियन गोल्ड लुक, यानी कि थोड़ा रस्टिक लुक है। इसका जो कलर है वो मैंने ब्राउन कलर रखा है, जो कि हर उसके साथ जाता है आपके आउटफिट कलर के साथ। और इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी बड़ी है, इस कारण से मैं इसको तभी पहनती हूँ जब मैं गले में कुछ भी नहीं पहन रही हूँ। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा हैवी गले में और कान में एक साथ पहनने से आप बहुत ही ज़्यादा चटाक लगते हैं। अगर आप मेन अट्रैक्शन नहीं बनना चाहते सिर्फ अपनी ज्वेलरी के लिए, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने इंडियन आउटफिट को ऐसे स्टाइल कीजिए कि अगर आपने कान में बहुत ज़्यादा बड़े पहन लिए हैं तो आप अपना गला खाली रखिए। तो ये डिफरेंट स्टाइल की ज्वेलरी है, और ये है मेरी थर्ड एथनिक ज्वेलरी। अब बढ़ते हैं अगली ज्वेलरी की तरफ। ये है पिकॉक डिज़ाइन की कुंदन ज्वेलरी। ये मैंने ली है चांदनी चौक से। ये मुझे पड़ी थी 450 रुपये की, और इसकी जो खास बात है वो ये है कि एक तो ये इतनी ज़्यादा भारी नहीं है, इसके साथ दूसरी जो अच्छी बात यह है कि ये 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग में है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इस ज्वेलरी को वापस करना चाहूँगी तो ये हाफ रेट में वापस हो जाएगी। बट इसमें जो कितने प्यारा कलर है, जो वर्क है, वो इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है कि मुझे इसे वापस नहीं करनी है, और एक लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये अपने कलेक्शन में रखनी है। आप कुछ ऐसी ज्वेलरी प्रेफर कर सकते हैं अगर आप अहमदाबादी स्टाइल आप कपड़े पहन रहे हैं, तो उसके साथ आप ऐसी ज्वेलरी ज़रूर से प्रेफर कर सकते हैं। और ये लाइट वेट है, इसकी जो मोतियों का काम है नीचे वो एक अलग लुक प्रोवाइड कर रहा है। ये सिंपल ये बहुत ही ब्यूटीफुल ज्वेलरी है। नेक्स्ट की मेरी दोनों इयररिंग मीनाकारी इयररिंग हैं। आप देख सकते हैं कि एक मैंने ली है वाइट कलर में। ये मेरे पसंद आई थी क्योंकि एक तो वाइट बेस जो होता है वो आपके मैक्सिमम इंडियन आउटफिट के साथ जाता है, दूसरा इसमें जो पिंक और ग्रीन कलर है वो ऐसे कलर हैं जो कि आपके एथनिक आउटफिट के साथ इजीली मैच कर जाता है।
लेकिन उसके उल्टे तरफ जो ये ब्लू कलर की ज्वेलरी है, ये आपके हर आउटफिट के साथ नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपने येलो पहना है और ब्लू पहना है तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। ये बहुत ही हल्की ज्वेलरी है, इसमें बिल्कुल भी वेट नहीं है। इसके नीचे जो मोती है वो इसको एक अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें कोई ख़ास आवाज़ नहीं है पहनने में, और ये दोनों की दोनों मेरे को पड़ी थी 550 की। ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, ताकि अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप भी मंगा सकते हैं। मेरी अगली इयररिंग है ये झूमर स्टाइल इयररिंग। ये मैंने मेरी सिस्टर की मैरिज के लिए लिया था। मेरा जो लहंगा था वो ब्लू कलर का था, इसलिए मैंने उसमें जो गोल्डन एम्ब्रॉयडरी थी उससे मैच करते हुए ये इयररिंग रखे। इसके टॉप्स बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, और इसके नीचे जो ये झूमर है ये आपको एक लेंथ प्रोवाइड करता है, बट इसमें इतना वेट नहीं है तो मेरे कान में दर्द नहीं रहता इसको पहनने के बाद। इसके जो स्टोन हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि अगर आप ज्वेलरी के आर्टिफिशियल ज्वेलरी में अच्छे स्टोन्स, अच्छे कलर, अच्छी पॉलिश ले रहे हैं तो उसका रेट थोड़ा सा महंगा होता है, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास रहती है। अगर आप सस्ती ज्वेलरी ले लेते हैं तो वो टूट जाती है, उसका क्या ही फ़ायदा मिलता है। तो ये ज्वेलरी मुझे पड़ी थी 450 की, लेकिन अगेन ये मैंने चांदनी चौक से ली थी, और इसको वापस करने में मैं आधे पैसे वापस ले सकती हूँ। इसमें भी है 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग, जो कि मेरे कान को इरिटेट नहीं करती है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है और इसका डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है। एटलीस्ट मैंने ऐसा डिज़ाइन जल्दी से नहीं देखा है। इसमें नीचे 5 झूमर दिए गए हैं, इसकी तरफ झुमकी वाला डिज़ाइन दिया गया है, इसकी ये मोती भी कितनी ब्यूटीफुल दी गई है, और इसके साथ मुझे एक्स्ट्रा मोती भी दी गई थी कि अगर ये नीचे वाली मोती निकल जाती है तो मैं वो लगा सकती हूँ। तो ये है मेरी नेक्स्ट ज्वेलरी। आपको ये कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और ये है मेरी आखिरी इयररिंग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। ये मैंने मंगवाई थी क्लब फैक्ट्री से। ये मुझे पड़ी थी 175 रुपीज़ की। क्लब फैक्ट्री से आप सामान मंगाते हैं तो आपको कोई भी शिपिंग नहीं देना होता है, और ये क्योंकि एक इंडियन सेलर से मैंने ली थी तो ये मुझे सिर्फ 3 दिन में मिल गई थी। आप पीछे से देख सकते हैं ये ऐसी है, लेकिन एक इसमें जो इसका डाउनफॉल है वो ये है कि ये जो अटैचमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता है और ये टूट सकता है, क्योंकि इसके नीचे वाला हैवी है और यहाँ वाली जो उन्होंने अटैचमेंट दी है वो इतनी स्टडी नहीं दी है। तो इसको ऐसी ज्वेलरीज को आपको बहुत संभाल के पहले तो रखना पड़ता है, दूसरा पहनते वक्त भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये मुड़ ना जाए या टूट ना जाए। इसका लुक भी आप देख सकते हैं कितना रॉयल आता है। साइड में ये जेम स्टोन या जो सॉरी ये जो बीच वाला दे रखा है ग्रीन कलर का, ये लगता है पन्ना की तरह लेकिन ये ऑब्वियसली नकली है। और इसके साइड में ये डायमंड लुक के लिए दिए गए हैं नग। इनकी नग की फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट ये एक यूनिक इयरिंग लगती है। अगर मैं इसे पहनूं अपनी सिंपल शरारा के साथ या फिर एक सिल्वर ड्रेस के साथ, ये बहुत ही प्यारी लगेंगे। और ऐसी ज्वेलरीज के साथ आप, क्योंकि ये छोटे होते हैं तो आप इसके साथ गले में भी कुछ पहन सकते हैं। इसके साथ आप पहन सकते हैं कुछ ग्रीन मोतियों की माला या फिर कुछ नग का एक स्ट्रिंग का नेकलेस, वो बहुत ही प्यारा लगेगा। और इस इयररिंग में जो टॉप्स दिया गया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, जो ये ग्रीन स्टोन है इसको कवर करते हुए छोटे छोटे स्टोन्स दिए गए हैं। ये आपके टॉप को एक बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है। तो ये था मेरा इयररिंग कलेक्शन। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्लीज़ मेरे इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अगर आपको इस ज्वेलरी से रिलेटेड कुछ जानना है तो मुझे बताइए, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।